हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनु ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉलर वाला ब्लाउज किस तरह से कटिंग करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो देखिए, ये जो पूरा कपड़ा है मेरे पास 1 मीटर है। तो देखिए, इस कपड़े पर मैं आपको निशान लगा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इसका सीना है वो 34 इंच है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ दोनों साइडों में मार्जिन रखने के लिए। तो मैंने 21 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ से इसको कट कर दिया है। ये देखिए, कपड़े को इस तरह से सीधा करके इसको उल्टा करना है और सबसे पहले जो बैक वाला पर्दा है उसके लिए निशान लगाना है। तो देखिए, तुरपाई के लिए नीचे की तरफ मैं इसमें 1 या 1.5 इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ। ये निशान है जो हमारा बैक पर्दे के लिए हो गया है। और ब्लाउज की लंबाई है वो सिलकर तैयार 13 इंच करनी है। तो इसको मैं 13.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आधा इंच मार्जिन में ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस तरह से कपड़े को उल्टा करके फ्रंट वाले दोनों पर्दों के निशान ऊपर की साइड में लगा रही हूँ। तो देखिए, इसका 13 का नाप लगाया है मैंने 8.5 इंच और ये आर्म होल का निशान लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच पर, क्योंकि कॉलर वाले ब्लाउज के लिए आर्म होल की लंबाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। देखिए, इसका गले की चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच पर निशान किया है और गले की लंबाई है वो मैं 7 इंच पर निशान कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से इसमें गोलाई देकर ये मैंने गले का निशान भी लगा लिया है। अब इसके बेल्ट का निशान मैं 12.5 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ से लगा रही हूँ 5.5 इंच पर। तो देखिए, इस तरह से बेल्ट को हमेशा तिरछा करके ही कटिंग करते हैं। और जो बैक वाला पर्दा होता है, बैक वाले पर्दे से थोड़ा बेल्ट के लिए ज़्यादा कपड़ा काटते हैं, जिससे कि सिलने में जो फ्रंट वाले पर्दे हैं वो कम नहीं पड़े। तो देखिए, अब दोनों पर्दों को अलग अलग करके इस तरह से इसको काटना है और जो इसके आर्म होल हैं वो मैं एक साथ ही काट रही हूँ। ध्यान रखें, कॉलर वाले ब्लाउज में बैक वाले पर्दे को आप एक साइड में रख दें। तो देखिए, इसमें मैं सामने वाले गले को गोल रख रही हूँ और ये गला मैंने गोल यहाँ से काट दिया है। तो देखिए, आर्म होले जो फ्रंट वाले पर्दे में ज़्यादा ही कटते हैं और इस तरह से यहाँ से अलग करके इसमें मैं आपको चुन्नट लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट चुन्नट है उसकी मैंने चौड़ाई 4 इंच ली है और उसकी लंबाई ऊपर की तरफ से 10.5 इंच पर रखी है और 2-2 इंच का फासला देते हुए दोनों पर्दों पर मैंने ये चुन्नट लगा ली है। ये जो मेरे फ्रंट वाले पर्दे में चारों चुन्नटें लगकर तैयार हो गई हैं, अब इसी तरह से मैं बैक वाले पर्दे में भी चुन्नट लगा रही हूँ। तो देखिए, बैक वाले पर्दे में ये मैंने चुन्नट की चौड़ाई है वो 7 इंच रखी है और इसकी लंबाई रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। कि अब जो ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से मैं बाजू निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, बाजू के कपड़े को थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से आपको करना है और इसकी लंबाई रखनी है 17 इंच। तो मैंने ये 18 इंच पर निशान किया है। 1 इंच कपड़ा हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए और इसके नीचे से मोहरी रखनी है 4 इंच। तो देखिए, मैंने इसमें 1 या 1.5 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ दिया है। तो देखिए, बाजू भी आपको इसी तरह से कट करनी है जिस तरह से हमने ब्लाउज में
आर्म होल्स कट किया था। तो देखिए अब इसकी मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये बैक पर्दे में मैंने चुन्नट लगा दिए। आप चुन्नट का ध्यान रखें, नीचे की तरफ से थोड़ा चौड़ा और ऊपर की तरफ से एकदम हल्की चुन्नट दें, जिससे कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आए। अब ये मैं जो फ्रंट वाले दोनों पर्दे हैं उनमें चुन्नट लगा रही हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए अब इसमें मैं बेल्ट जॉइंट कर रही हूँ दोनों पर्दों में। तो देखिए बेल्ट लगाते समय आप ध्यान रखें, बेल्ट का जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है वो सामने की तरफ आता है और जो कम चौड़ाई वाला हिस्सा होता है वो साइड में आता है। देखो इस तरह से मैंने ये दोनों पर्दों में बेल्ट जॉइंट कर दिया है। अब इस पर मैं आई और हुक बारी पट्टी आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो देखो जो आई बनाने की पट्टी होती है उसको हम नीचे की तरफ से जॉइंट करते हैं और जो हुक वाली पट्टी होती है उसको हम ऊपर की तरफ से जॉइंट करके नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों पर्दों में पट्टी लगाकर तैयार कर दी है। ये मेरी दोनों पट्टियां जॉइंट हो गई हैं। देखो अब मैं आपको बैक वाले और फ्रंट वाले दोनों पर्दों को जॉइंट करके दिखाऊंगी। देखिए बैक वाले पर्दे में ये मैंने नीचे की तरफ तुरपाई के लिए कपड़ा पहले से ही छोड़ा हुआ है, उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो बैक पर्दे को इस तरह से उल्टा रख के दोनों फ्रंट वाले पर्दों को जॉइंट करना है। आप ध्यान रखें जॉइंट करते समय ऊपर की तरफ मार्जिन में ज़्यादा कपड़ा नहीं लें, इतना आपने नाप के हिसाब से छोड़ा है उतना ही कपड़ा लें। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही जल्दी ब्लाउज की सिलाई समझ में आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो देखिए अब इसमें मैं बाजू जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये बाजू है जो जॉइंट कर दी है। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू को भी जॉइंट कर दूंगी। देखो ये जो मेरी बाजू है जॉइंट हो गई है। अब इसको मैं नीचे की तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें 1 इंच कपड़ा पहले ही छोड़ रखा है। तो देखिए अब इसमें मैं साइड वाली सिलाई है वो लगा रही हूँ, फिटिंग वाली। इस तरह से देखिए मैंने ये साइड में फिटिंग वाली सिलाई है वो भी लगा दी है। आप सिलाई को जहाँ भी बंद करें लॉक जरूर कर दें, जिससे कि हमारी सिलाई निकले नहीं। तो इसकी पट्टी है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ।
ये मैंने नीचे की साइड से तुरपाई के लिए दोनों साइड जो बेल्ट का कपड़ा निकला हुआ है वो भी फोल्ड कर दिया है। दोनों पर्दों को आप नीचे की तरफ से फोल्ड करते समय नाप कर लें, जिससे कि हमारा बेल्ट किसी भी हिस्से में ऊंचा या नीचा तो नहीं है। तो ये जो मेरा ब्लाउज है सिलकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं कॉलर लगा के आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, कॉलर के लिए ये मेरे पास कैटोन है, इसमें से मैंने 12 इंच का कैटोन कट कर लिया है। देखो, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें से कॉलर कट कर रही हूँ। कॉलर आपको इसी तरह से कट करनी है, जिससे कि हमारी कॉलर दिखने में अच्छी लगे। ये मेरे पास डबल कपड़ा है, ये मैंने डबल कर लिया है। इस पर एक छोटी छोटी सिलाई कॉलर को रखकर इसके ऊपर की साइड में लगानी है। फिर इस कपड़े को सीधा करना है। इसके जो ऊपर की तरफ कपड़ा निकला हुआ है वो मैं कट कर रही हूँ, जिससे कि हमारी कॉलर ज़्यादा ऊपरी हुई दिखाई नहीं दे। तो देखो, इसमें छोटे छोटे कट मैं लगा रही हूँ। इसको सीधा करके इस तरह से इसमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। जो फालतू कपड़ा निकला हुआ है वो मैंने काट दिया है। अब इसके बीचों बीच एक कट लगाना है। कट लगा के ही इसको जॉइंट करना है, जिससे कि किसी भी हिस्से में हमारी कॉलर ज़्यादा या कम नहीं लगे। तो देखिए, इसी तरह से बैक पर्दे में भी इसके बीचों बीच एक कट लगाना है और उसी कट से कॉलर को स्टार्ट करना है लगाना। दोनों कटों को मिला के आप कॉलर को लगाएंगे तो आपको किसी भी पर्दे में कॉलर कम या ज़्यादा लगी हुई दिखाई नहीं देगी। तो देखो, ये जो मैंने पूरी कॉलर है वो ब्लाउज में जॉइंट कर दी है। अब इस पर मैं जो सामने वाला गला है उस पर मैं कॉलर के सहित ही पट्टी लगाऊंगी। ये जो मैंने और भी पट्टी पहले से ही निकाल रखी है, अब इस पट्टी को डबल करके पट्टी को थोड़ा चौड़ा रखना है। इसकी पाइपिंग नहीं बना के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। पट्टी को लगाते समय आप दोनों हिस्सों का नाप कर लें कि हमारा आई या हुक वाली पट्टी बड़ी या छोटी तो नहीं है। देखो, हमारी दोनों पट्टियां हैं ये जो बराबर हैं। अब इसमें जो फालतू कपड़ा निकला हुआ है वो मैं काट रही हूँ, जिससे कि पट्टी को सीधा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये पट्टी है इसको मैं अंदर की साइड में फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड कर इस पर एक सिलाई लगा रही हूँ। तो देखो, इस पर मैंने ये सिलाई लगा दी है और हमारा ब्लाउज है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप देखिए, ये जो हमारी कॉलर है कितनी अच्छी दिखाई दे रही है और सफाई भी इसमें बहुत अच्छी आई है।